आखिर जज कलम क्यों तोड़ देता है जब किसी को फांसी की सजा सुनाता है? क्या आप जानते हैं इसके? दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि जज जब किसी मुजरिम को फांसी की सजा देता है तो वो अपनी कलम क्यों तोड़ देते हैं। क्या आप इसके पीछे के कारण को जानते हैं? किसी को फांसी की सजा देना सबसे बड़ी सजा माना जाता है। यदि किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसके लिए उसे मौत की सजा यानी फांसी दी जाती है। इसके पीछे एक कारण यह है कि जब किसी ऐसी सजा दी जाती है तो इसी तरह जिस कलम से जज हस्ताक्षर करता है उसे भी मौत की सजा दी जाती है। मतलब कि वो एक ऐसी मनहूस कलम मानी जाती है जिसने किसी की जिंदगी छीन ली। कलम को इसलिए तोड़ा जाता है ताकि इस कलम से दोबारा किसी तो फांसी की सजा न सुनाई जाए और इसके बाद कोई ऐसा अपराध न करे। कलम तोड़ने का एक कारण यह भी है कि जिसे फांसी दी जाती है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उस इंसान की जिंदगी खत्म होने के बाद कलम भी तोड़ दी जाती है। कलम की निब तोड़ने का एक कारण यह भी है, जज कलम को तोड़ के अपना प्रायश्चित करते हैं। जैसे कलम से लिखी हुई बात को कोई नहीं मिटा सकता, वैसे ही इस सजा को भी कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।